मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2020 से संबंधित एक बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों आपके लिए। पुलिस मुख्यालय करेगा फाइनल मीटिंग भर्ती को लेकर। अब ये मीटिंग कहां पर होने वाली है? मीटिंग होने वाली है दोस्तों भोपाल पुलिस मुख्यालय हेडक्वार्टर पे, और इसमें ये फैसला लिया जाएगा भर्ती प्रक्रिया को लेकर कि भर्ती प्रक्रिया में एक और ट्रस्ट आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले फिजिकल होगा या एग्ज़ाम होगा। भर्ती प्रक्रिया को लेकर ये बहुत बड़ा अपडेट दिया है दोस्तों यहाँ पर भोपाल पुलिस मुख्यालय के द्वारा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसी को लेकर ये मीटिंग की जाएगी यहाँ पर भोपाल पुलिस मुख्यालय के अंदर, यहाँ पर फाइनल मीटिंग होगी। इसके बाद जो नोटिफिकेशन है वो साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन भी तैयार कर लिया गया है। नोटिफिकेशन के अंदर की बात मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन में कहाँ से कितनी वैकेंसियाँ हैं, किस ज़िले से कितनी वैकेंसियों को लेकर उस नोटिफिकेशन में दर्शाया गया है दोस्तों। अब ये बात है इसमें कि यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया किस स्तर पर की जाएगी, और ऑनलाइन आवेदन आपके ज़िले स्तर से मांगे जाएंगे या फिर ऑनलाइन आवेदन आपके राज्य स्तर पर मांगे जाएंगे। अगर राज्य स्तर पर आपके ऑनलाइन मांगे जाएंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है इस भर्ती के अंदर। अगर आपके ऑनलाइन आवेदन ज़िले स्तर पर मांगे जाएंगे दोस्तों तो आपको बहुत अधिक नुकसान होने वाला है इस भर्ती के अंदर। देख लेते क्या नुकसान होने वाला है इस भर्ती के। तो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2020 को लेकर बड़ी न्यूज आ रही है दोस्तों। पुलिस मुख्यालय भोपाल से पुलिस मुख्यालय भोपाल 13 तारीख को भर्ती को लेकर बड़ी मीटिंग करने जा रहा है, और इस मीटिंग में यह फैसला लिया जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया किस स्तर पर की जानी है। तो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर भोपाल में इस मीटिंग में यह फैसला लिया जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन जिले स्तर पर लिए जाएंगे या फिर राज्य स्तर पर लिए जाएंगे। अगर राज्य स्तर पर आपके फॉर्म ऑनलाइन लिए जाएंगे तो आप लोगों के लिए इसमें कितना फ़ायदा होने वाला है और कितना इसमें नुकसान होने वाला है, तो दोस्तों देखिएगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अगर आपके ऑनलाइन आवेदन आपके ज़िले स्तर पर लिए जाए तो आपको केवल उसी ज़िले से फॉर्म अप्लाई करना है जिस ज़िले में कितनी भी वैकेंसी है। माना कि इंदौर ज़िले में 250 वैकेंसी आती है, तो 250 वैकेंसी के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो, ना कि और ज़िलों में अपना आवेदन भर सकते हो। केवल और केवल 250 वैकेंसियों में ही आपको मौका मिलने वाला है अगर ज़िले स्तर पर भर्ती ऑनलाइन होगी और ज़िले स्तर पर आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। तो इसके बाद अगर ऑनलाइन आवेदन राज्य स्तर से मांगे जाते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए इसमें बहुत अधिक प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि राज्य स्तर पर मेरिट निकलने वाली है, राज्य स्तर पर ही मेरिट निकलने वाली है। और राज्य स्तर में माना कि 23,000 वैकेंसियों के लिए अप्लाई किए जा रहे हैं, तो 23,000 पदों के लिए आप भी एलिजिबल होंगे, यानी कि 23,000 वैकेंसियों में से आप भी उसमें मौका आजमा सकते हैं, यानी कि सभी भर्तियों में आपको मौका मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर अगर मेरिट यहाँ पर राज्य स्तर पर निकलती है तो आपको फ़ायदा होने वाला है, और यहाँ पर ज़िले स्तर पर निकलती है तो थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हानि उठानी पड़ सकती है दोस्तों यहाँ पर। तो एमपी पुलिस भर्ती में ये सबसे बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। 13 तारीख को फैसला आएगा कि क्या मीटिंग में निष्कर्ष निकलता है, ऑनलाइन आवेदन जिले स्तर पर लिए जाएंगे आपके या फिर वो राज्य स्तर पर लिए जाएंगे। अगर राज्य स्तर पर लिए जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों आप लोगों के लिए, और जल्द ही हम ना कामना करते हैं कि नोटिफिकेशन जल्दी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए ताकि आप के ऑनलाइन आवेदन जल्दी से स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।